डिजिटल सेवा को चलाने वाला सीएससी केंद्र भारतीय नागरिकों तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा को पहुंचाने का एक जरिया है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ उपभोक्ता भुगतान के साथ कई सारी योजनाएं शामिल की जाती हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जनता को सुविधा प्रदान करने वाला ये तंत्र लूट खसूट का अड्डा बन चुका है। ये शब्द आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने चर्चा के दौरान कहे। उन्होंने बताया कि आज ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम होने की वजह से हर कार्य के लिए हर आम जन सीएससी सेंटर पर निर्भर है और हर काम के लिए सरकार ने बाकायदा एक निश्चित फीस तय की हुई है। लेकिन ये सीएससी संचालक सरकारी नियमों का एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नियमित फीस से बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। जनता की मजबूरी है इन लोगों से काम करवाना। जिस काम की सरकार ने 20 रुपए तय कर रखे हैं, उसके मनमानी करके 200 से 300 रु ले रहे हैं। एसडीएम साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए, जो पूरे कालका पंजौर के अंदर सीएससी सेंटर खुले हुए हैं। आज उन सेंटरों के अंदर जो करप्शन हो रही है, कपलेबाजी हो रही है, उसके बारे में एसडीएम साहब को बताया है हमने। और आज आम आदमी पार्टी की पूरी टीम एसडीएम साहब को मिली है, ज्ञापन दिया है कि जो सेंटर खुली है, सेंटर के अंदर जो बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी खबरेबाजी कर रहे हैं, जिसकी फीस 10 रुपये है, 20 रुपये है, आधार कार्ड की कॉपी कटवानी है, चाहे डेथ का सर्टिफिकेट लेना है, चाहे जन्म का सर्टिफिकेट लेना है, उसकी कॉपी लेनी है, तो वो 10-20 रुपए की फीस के बदले 300-300, 500-500 रुपया वो लेते हैं। तो आज हम एसडीएम साहब को बताया है और हमने ज्ञापन भी सौंपा है और एसडीएम साहब ने हमें विश्वास दिलवाया है कि मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन लूंगा।